लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटर्स uh, और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस के बारे में देखा कुछ उसकी प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने सॉल्व किया आज हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स ऑफ सम ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज लाइक पोजीशन, मोमेंटम एंड एनर्जी इसके फॉर्म्स कैसे होते हैं और इसको कैसे हम लोग एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं सो फर्स्ट विल वी सी द पोजिशन ऑपरेटर पोजिशन ऑपरेटर ऑपरेटर दैट मीन्स वी हैव टू फाइन एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस तो जनरल फॉर्म में अगर हम लोग लिखेटर इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स कैप विच इज इक्लेंट टू पोजिशन कोट इज इक्वेलेंट टू पोजिशन कोऑर्डिनेट पोजिशन कोऑर्डिनेट एक्स दैप इंटू साई इज इक्वल टू एक्स साई ये हमारे पोजिशन ऑपरेटर के बारे में इस तरह से हम लिख सकते हैं सेकेंड नंबर इज द टाइम ऑपरेटर सो टाइम ऑपरेटर इज जनरली रिनेटेड बाई टी कैप इज इक्विवेलेंट टू टाइम ये टाइम के इक्विवेलेंट होता है सो टी कैप इंटू साई इज इक्वल टू टी साई नेक्स्ट इज लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर So the linear momentum operator is along x axis. Linear momentum operator along x direction is px cap.

अब ये इस तरह से आता कैसा है इसको हम लोग डिराइव करेंगे सो लेट्स सम स्मॉल डेरिवेशन और डेविएशन हम लोग कह सकते हैं डेरिवेशन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर सो सिंस वी नो दैट द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विथ A free particle is given by psi x comma t is equal to a e to the power minus i by h cross e t minus p x. this is called denote okay so assuming, motion along x direction x direction motion motion we consider motion, so along x direction so we have x t is equal to a e to the power minus i by h cross yeah h cut e t minus पी एक्स इंटू एक्स ओके ये हमारा एक्स यहाँ मल्टीप्लाई है ये पी एक्स नहीं है इसको एक्स मान के चलना है ओके सो दिस इज लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन नाउ डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा ये क्या हो जाएगा डूस आई बाई डू एक्स पार्शल डिफ्रेंशिय माइनस पी एक्स इंटू एक्स और उसके बाद x के रिस्पेक्ट में करें तो ये टर्म भी डिफ्रेंशिएट होगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो के, सो हम लोग लिखेंगे माइनस माइनस प्लस आई पी एक्स डिडेड बाई एच क्रॉस ओके दिस टर्म इज ऑलरेडी हम लोग दिया हुआ है साई तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आई पी एक्स बाई एच क्रॉस साई दोनों तरफ से साई साई को कैंसिल अगर कर लेकिन पहले हम लोग चेंज कर लें हम लोग लिख सकते हैं ये एच क्रॉस बाई आई इधर चला जाएगा तो एच क्रॉस बाई आई डो साई बाई डो एक्स इज इक्वल टू पी एक्स साई तो so, दोनों तरफ से अगर साई को हम लोग या, या या पहले लिख लें हम लोग पी एक्स आई इज इक्वल टू आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आई एच क्रॉस डिवाइडेड बाय नीचे में आई स्क्वायर डो साई बाय डू एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस सो दिस इज माइनस आई एच क्रॉस डो साई बाय टू एक्स तो दोनों तरफ से अगर हम लोग साई को रिप्लेस कर दें तो so हमारा पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से पी एक्स हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डो बाई डो एक्स ये एक ऑपरेटर है पी एक्स तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं उसी तरह से सिमिलरली हम लोग इसके वाई कॉम्पोनेंट और जेड कॉम्पोनेंट को भी लिख सकते हैं सिमिलरली पी वाई इज इक्वल टू जिनरली हम लोग इसको कैप से डिनोट करते हैं सो दिस इज कैप py cap is equal to minus i h cross do by dou y p z cap is equal to minus i h cross do by dou z तो so, अगर हम लोग सबके कॉम्बिनेशन को लिखें, सो so हमारा की क्या हो जाएगा एंड सिंपली अगर P कैप के बारे में लिखें सो माइनस आई एच क्रॉस ठीक है और चूंकि ये सारे कॉम्पोनेंट हो रहे हैं ग्रेडियंट के फॉर्म में आ रहे हैं इसको हम लिखेंगे ग्रेडियंट बिकॉज वी नो दैट दिस ग्रेडियंट इज इक्वल टू आई डो बाय डो एक्स प्लस जे डो बाय डो वाई प्लस के डो बाय डो जेड इस तरह से लिख सकते हैं और पी कैप का वैल्यू क्या होगा हमारा पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड कैप तो अगर हम लोग यहाँ पी एक्स पी वाई पीजे का वैल्यू फुट कर दें तो सारे वैल्यूज तो हमारे सेम है सो माइनस आई एच प्लस कॉमन ले लेंगे तो अंदर में हमारा क्या रह जाएगा ये टर्म तो so, ये हमारा आएगा और इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डेल ऑपरेटर सो ये हमारा हो गया किसके लिए फाइनल पी कैप के लिए मोमेंटम ऑपरेटर के लिए दिस इज फॉर थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल मोशन Now, next is number four total energy operator, total energy operator. This is also called Hamiltonian.

Number three. ठीक है? Equation number two equation number three है। और एनर्जी ऑपरेटर भी कहते हैं इसको हम लोग एचकॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सो ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म है और ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है ठीक है अब ये कैसे आया इसको अगर हम लोग डिराइव करें इसका डेरिवेशन अगर हम लोग यहाँ पर लेने जाए डेरिवेशन सो so, हम लोग पहले टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म लेंगे सो फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट फॉर्म सॉरी टाइम डिपेंडेंट फॉर्म फंक्शन का सो ये होगा साई एक्स कॉमा टी जिसको हम लोगों ने प्रीवियसली लिया था ए पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस पी इनटू एक्स ठीक है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी अभी हम लोग इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे सो पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशियट करेंगे so, ये जाएगा, टी, is equal to, ये हो हो जाएगा जाएगा e e अब ये टी का टर्म डिफ्रेंशिएट होगा इसके आगे में ये भी है सो so, ये हो जाएगा माइनस आई बाई एच क्रॉस इन e ठीक है और ये टर्म तो हम लोग जान रहे हैं ये हमारा दिया हुआ ये साई के बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई ई बाई एच क्रॉस इंटू साई ओके सो यहां से हमारा ई e साई का वैल्यू क्या हो जाएगा ई साई इज इक्वल टू हो जाएगा एच uh, क्रॉस का टर्म इधर आ जाएंगे सो so ये हो जाएगा माइनस एच क्रॉस बाई आई ठीक है डोसाई बाई डोटी तो ऊपर इसके आई के जगह पे हम लोग माइनस वन के जगह पर लिख सकते हैं आई बाई आई, बाई टी। जो आई का है, माइनस वन होता है सो यहाँ से एक टर्म और ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगा सो ये हो जाएगा ये h क्रॉस एक छूट रहा है यहाँ पे सो ये हो जाएगा i h क्रॉस डोसाई बाई डोटी नौ दोनों तरफ से अगर हम लोग साइको रिप्लेस कर दें तो हमारा क्या ऑपरेटर आ जाएगा सो देर फोर ई कैप इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डो बाई डोर टी ये हो गया हमारा टाइम डिपेंडेंट फॉर्म का ऑपरेटर ठीक है लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन जिसको हम लोगों ने ऊपर में भी देखा है कि ये हमारा ऑपरेटर इस तरह से होता है इक्वेशन नंबर टू में हमारा अब टाइम इंडिपेंडेंट से हम लोग दूसरा ऑपरेटर फाइंड करने जा रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म सो हम लोग पहले सोडेंजर इक्वेशन यूज करेंगे सोडेंजर इक्वेशन में जानते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस टू एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब इस टर्म्स को कुछ अरेंज करेंगे अरेंज करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं इसको आ, ये हम लोगों ने देखा है सोडेंजर इक्वेशन में एच कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई ये दोनों टर्म को एक साथ करेंगे और ई वाले टर्म को उधर लेके जाएंगे सो ये हो जाएगा ई साई आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं ये इक्वेशन आएगा यहाँ पे अब हम लोग इसमें ऑपरेटर को अलग कर लेते हैं आ, टू एम डेल स्क्वायर प्लस वी ये हो गया और साई कॉमन है तो साई इज इक्वल टू ई साई सो अगेन साई को हम लोग दोनों तरफ से कैंसिल करेंगे सो so यहाँ से हमारा ई e कैप का वैल्यू हो जाएगा ई कैप इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम डेल स्क्वायर प्लस दिस इज द अनदर ऑपरेटर ऑफ एनर्जी ऑपरेटर जिसको हम लोग हेमिल्टोनियन ऑपरेटर भी कहते हैं um, और ये हमारा टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म है ऑपरेटर ऑपरेटर ठीक है सो so, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये हमारा तीन ताएग, चार टाइप के ऑपरेटर्स हो गए जिसमें से हम लोगों ने पहला देखा पोजीशन ऑपरेटर देन टाइम ऑपरेटर देन लिनियन मोमेंटम ऑपरेटर एंड एनर्जी ऑपरेटर इसके बाद हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स और उसके कार्टेजियन फॉर्म और स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी देखेंगे कि उसके फॉर्म्स कैसे कैसे होते हैं सो so नेक्स्ट हमारा है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर सो so नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना जो है वो है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका कार्टेजियन फॉर्म दैट मींस एक्स वाई जेड कॉर्डिनेट के फॉर्म में कार्टेजियन कोऑर्डिनेट्स दैट मीन्स एक्स वाई और जेड के फॉर्म में हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को कैसे लिख सकते हैं सोफ सिंस वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम एल is equal to vector L is equal to position vector R into linear momentum P where L is the angular momentum is the angular momentum R is the position vector and

प्लस जेड के कैप और पी को हम लोग लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड जेड कैप अब ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो सिंपली इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हम लोग फाइंड करते हैं उस तरह से फाइंड कर लेंगे दैट मीन्स डिटरमिनेंट फॉर्म डिटर्मिनाट फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं आई कैप जे कैप कैप देन कॉम्पोनेंट ऑफ फर्स्ट वैक्टर दट इज एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट ऑफ सेकेंड वैक्टर दट इज पी एक्स पी वाई एंड pz ये इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया अब इस डिटरमिनेंट को so, हम लोग सॉल्व करेंगे सो हम लोग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं सो so, ये हो जाएगा वेक्टर आई ये हो जाएगा हमारा

और एल को हम लोग लिख सकते हैं एलेक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप सो कंपेयरिंग द कोफिशेंट ऑन बोथ साइड आई जेके के कोफिशेंट को कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशेंट ऑफ आई कैप जे कैप

अब एल वाई लिखने से पहले याद रखना यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है सो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा सो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड और एल जेड इसको यहाँ लिख लेते हैं एल जेड इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स ना इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर ऑपरेटर हमारा एल भी ऑपरेटर है और पी भी हमारा ऑपरेटर है एक्स वाई जेड तो हमारा कोऑर्डिनेट है सो so, देयरफॉर Lx cap is equal to y cap ये हमारा ऑपरेटर के फॉर्म में पोजीशन वेक्टर ऑपरेटर वाई कोऑर्डिनेट। सो पी जेड कैप माइनस जेड कैप पी वाई कैप एल वाई कैप इज इक्वल टू एक्स कैप पी वाई कैप माइनस वाई पी एक्स कैप एंड एल जेड कैप इज इक्वल टू एक्स कैप आई थिंक हम लोगों ने कहीं गलवर लिखा है हाँ ये गलत हम लोगों ने लिख लिया है इसको हम लोग चेंज कर ले ये हमारा है सो so, ये हो जाएगा पी एल वाई हो जाएगा जेड कैप पी एक्स कैप माइनस एक्स कैप हो गया अब हम लोग जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने वैल्यूज फाइन किया था किसका पी एक्स पी वाई पी जेड का वैल्यू फाइन किया था कौन कौन सा वैल्यू फाइन किया था P एक्स कैप का वैल्यू हम लोगों ने फाइन किया था एच अगर हम सिर्फ माइनस आई एच क्रॉस के फॉर्म में ले माइनस आई एच क्रॉस डो बाई डो एक्स पी वाई कैप हमारा वैल्यू था माइनस आई एच क्रॉस डो बाई डो वाई और पी जेड कैप हमारा वैल्यू था माइनस आई एच क्रॉस डो बाई डो जेड अब ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सबूट कर देंगे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे यहां पे सो so, हमारा लास्ट में मोमेंटम ऑपरेटर हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग मोमेंटम ऑपरेटर्स क्रॉसपॉन्डिंग मोमेंटम ऑपरेटर्स स्पॉन्डिंग मोमेंट ऑपरेटर्स इन कार्टेजियन फॉर्म कार्टेजियन और कार्टेजियन कोडिनेट हम लोग कह सकते हैं कार्टेजियन so को अगर हम पीजेड का वैल्यू और पी वाई का वैल्यू दोनों पुट करें दोनों में आई एच क्रॉस जो है माइनस आई एच क्रॉस कॉमन है सो माइनस आई एच क्रॉस कॉमन सो पी जेड पी जेड का वैल्यू है वाई टाइम्स डो बाई डो जेड सो वाई टाइम्स डो बाई डो जेड माइनस जेड टाइम्स ऑपरेटर जे कैप वाई का जगह कैप भी लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते कोई फर्क नहीं पड़ेगा जे जेड टाइम्स पी वाई पी वाई का वैल्यू है डो बाई डो वाई सो डो बाई डोवाई ये हो गया एल एक्स इस तरह से हम लोग एलवाई एर एल जेड को भी लिख सकते हैं एल वाई एल जेड सो एल वाई का वैल्यू हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस पी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे सो जो होता है हमारा जेड टाइम्स ये जेड तो पहले यहाँ पे है और पी एक्स का वैल्यू डो बाई डो एक्स माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स डो बाई डो जेड And uh, last one is minus i h cross uh yehu jaga p y or p y is x so x dou by dou y minus y times dou by two x. So these are operators, these are operators of Cartesian angular momentum operators, angular momentum. ऑपरेटर्स ठीक है सो तो ये हम लोगों ने कार्टेजियन फॉर्म में ऑपरेटर्स नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्योंकि ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ऑपरेटर है काफी लेंदी है थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिकल डेरिवेशन यहाँ पे है साइन आर थीटा फाइव के रिस्पेक्ट में कैसे इसको हम लोग फाइन कर सकते हैं और उसमें हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स इन टर्म्स ऑफ इसको कैसे फाइन करेंगे जो हमारा ऑप्टर ऑपरेटर्स के डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोग देखेंगे कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे